स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी में आज हम व्यंजन में फ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? फ। तो ये क्या है? पत्र है। क्या है? लेटर। लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्र। तो पत्र का पहला अक्षर कौन सा है? फ। वैसे ही ये क्या है? काइट है। काइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पतंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतंग। तो उसमें भी पहला लेटर कौन सा है? प। तो आज हम हिंदी में प लिखना सीखेंगे। कैसे करेंगे? यू करना है, फिर वहीं से स्टैंडिंग लाइन कर देनी है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये है प से पतंग, जो आज हम अपनी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। Now students, check out your Hindi textbook and page number 37 निकालना है आपको। कौन सा? 37। उसमें डेट लिखेंगे आप। जिस डेट पे लिख रहे हो आपको वो डेट डालनी है, ओके? फिर प है तो प में कलर करेंगे। प में कलर करेंगे। आपको जो कलर पसंद है आपको वो कलर करना है, पर कलर प के अंदर ही होना चाहिए, ओके? धीरे से करना है। फिर ये रीड करेंगे। ये क्या है? पत्र। अभी मैंने दिखाया ना बोर्ड पे लेटर, तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्र। फिर है पहिया, जो गाड़ी का, स्कूटर का व्हील रहता है उसे क्या बोलते हैं? पहिया। फिर है पतंग यानी काइट। तो प लिखेंगे, जैसे ट्रेस किया है वैसे ही करना है। यू कहाँ तक लेके जाना है? ये लाइन के थोड़े नीचे लेके जाना है, ओके? फिर स्टैंडिंग लाइन करेंगे और ऊपर स्लीपिंग कर देंगे। ये है प से पतंग। फिर पूरी लाइन एज ऑलवेज ट्रेस करेंगे। प से पतंग, प से पत्र, प से पहिया, और फिर ये नीचे की थ्री लाइंस। ये मिडिल में जो थ्री लाइन है ना, उसी में लिखना है, ओके? अच्छे से राइटिंग में कंप्लीट करना है। थैंक यू।